महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के राम जनार्दन मंदिर की बावड़ी पर स्थित कुसुमेश्वर महादेव 84 महादेवों में 38वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार पहले वैवस्तव मन्वंतर में 12 कल्प में शिवजी पार्वती कैलाश से महाकाल वन में पधारे। यहाँ उनके गण खेल रहे थे, जिससे बहुत कोलाहल हो रहा था। उनके मध्य में वीरभद्र थे, जो कुसुमों से सुसज्जित थे। वीरभद्र को देखकर पार्वती ने एक पुत्र की कामना की। शिवजी ने कहा, तुम वीरभद्र को अपना पुत्र बना लो। तब पार्वती ने अपनी दासी विजया को वीरभद्र को बुलाने भेजा। वीरभद्र के आने पर पार्वती ने उन्हें अपनी गोद में बैठाकर प्यार से पुचकारा, उनके माथे को सूंघ कर उसे दिव्य आभूषणों से सुसज्जित किया, उसे हार पहनाकर कहा कि अब वह खेलने जाए। वे दिन भर अन्य गणों के साथ खेलते रहे। शाम को पार्वती ने कहा, भगवान इसे सब गणों का स्वामी बनाकर कोई अक्षय स्थान प्रदान कीजिए। तब शिवजी ने उसे शिवेश्वर के उत्तर में स्थान दिया और वे कुसुमेश्वर कहलाए। जो एक दिन भी कुसुमेश्वर की फूलों से पूजा करते हैं, उन्हें पाप मुक्त होकर शिवलोक की प्राप्ति होती है। चौरासी महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।